हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आपके लिए सीपीसीटी का न्यू बैच 2.0 लॉन्च कर दिया है और आज है सैटरडे यानी शनिवार, और सैटरडे यानी शनिवार और रविवार को दोस्तों आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस लाएंगे। बाकी के 5 दिन आपके लिए थ्योरी रहेगी और केवल शनिवार और रविवार को आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं पर आधारित रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस से इस शानदार सफर में, और जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक गुड न्यूज और देंगे आज की क्लास में आप लोगों को। चलिए, बहुत सी आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ग्रुप में दूंगा, इस क्लास में दूंगा, तो क्लास के लास्ट तक बने रहना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको सब पढ़ा दिया, याद रखिए मैंने सब पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था। अगर आपने हमारी प्रतिदिन प्लगइन क्लासेस को देखा है, पहली क्लास में ही मैंने पहले दिन समझाया था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया जाता था। ए ऑप्शन हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, बी हो जाएगा ट्रांजिस्टर, सी हो जाएगा आईसी यानी चिप, और डी हो जाएगा VLSI। तो याद रखिए दोस्तों, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी कंपोनेंट्स, कौन से पुर्जे का यूज किया जाता था? तो याद रखिए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। किसका इस्तेमाल किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलिए, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपना 51वें नंबर का क्वेश्चन, उसको भी जल्दी से हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है दोस्तों, ठीक है ना? आपका जो कंप्यूटर होता है उनमें से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा DSL, और बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा CPU, और डी हो जाएगा USB। तो याद रखिए दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से मेमोरी का एक प्रकार कौन सा है दोस्तों, इनमें से मेमोरी कौन सी है। तो याद रखिए, कई बार क्लास में बता चुका हूं कि रैम क्या है, हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है, और इसके साथ साथ एक ये अस्थायी मेमोरी भी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना? यानी एक प्राथमिक, एक द्वितीय। तो रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिए, शनिवार है इसलिए मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, और संडे वाले दिन भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के 5 दिन आपके लिए क्या मिलेंगे दोस्तों? थ्योरी क्लासेस मिलेंगे। लेकिन मैं अगले जो आपका बी का रहा है, मैं सोच रहा हूँ 3 दिन एमसीक्यू करूं, फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन भी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिन आपके लिए मैं क्या करूं दोस्तों? एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा। मैं जहां तक सोच रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं 4 दिन आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी, थ्योरी में जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सब की मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो कि मैं 3 दिन क्लासों में कवर करा दूंगा, ठीक है ना? ऐसा करने का मैं सोच रहा हूँ, ऐसा आने वाले वीक में करूंगा मैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, वो अगले क्वेश्चन में दूंगा, 2-3 क्वेश्चन और पढ़ा लूं पहले। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो पेन ड्राइव होती है तो उसको कंप्यूटर में अटैच करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा पैरेलल पोर्ट, बी हो जाएगा नेटवर्क पोर्ट, सी हो जाएगा सीरियल पोर्ट, और डी हो जाएगा USB पोर्ट। याद रखिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, किसका होता है? तो याद रखिए दोस्तों, किसका होता है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो अगर जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है वो बता सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, यूएसबी का होता है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए, अब यूएसबी जो पोर्ट है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का होता है, उसका इमेज मैं आपको बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा कीबोर्ड को भी, माउस को भी आजकल इन्हीं के द्वारा जोड़ दिया जाता है, यूएसबी पोर्ट के द्वारा। चार्जर में भी आने लगा है ये, ठीक है ना? एक सी टाइप की आती है और यूएसबी पोर्ट लगा हुआ होता है नीचे, ठीक है ना? चलिए, 53वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। जो इनपुट है दोस्तों, जो इनपुट हम अंदर करते हैं, उसका आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस, बी जगह मेमोरी, सी जगह स्टोरेज, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा CPU। तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है, जो प्रोसेस करके उसको किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए, CPU के द्वारा किया जाता है, और CPU का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आपको एक और मैं गुड न्यूज ये देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि
एनटीपीसी की जगह आ गई है, रेलवे में बहुत सारी बंपर वैकेंसी आ गई है, उनके लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और बहुत ही शानदार आपके लिए क्लासेस रहेंगे, 3-4 क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और जिनमें शायद मैथ, रीजनिंग और जीके और एक क्लास और स्टार्ट करेंगे। तो ये इतनी सारी क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है इसी चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में, और उनमें भी मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर इनकी कुछ थ्योरी और फिर इनके एमसीक्यू क्वेश्चन, ये हमारा पूरा एक चक्कर चलेगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूंगा कब से भी क्लासेस स्टार्ट होंगे, उनका शेड्यूल बता दूंगा, हर चीज बता दूंगा। तो अभी आप लोग क्लास पे बने रहिए, मैं 1-2 दिन में हो सकता है कि सोमवार तक मैं आपको सब क्लियर करा दूं, ठीक है ना। चलिए बाकी आपको पता है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी निकली है 30 तारीख को उनका एग्जाम भी है, उसके लिए भी तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ, वो भी प्लेलिस्ट उसके लिए बन चुकी है, और उसके लिए भी प्लेलिस्ट अलग है, और एनटीपीसी की तो आपके लिए चलेगी, एसएससी जीडी की भी तैयारी की है, हिंदी की प्रतिदिन क्लासेस आपके लिए लाते हैं। तो इतना कुछ चल रहा है, बस आपका सपोर्ट और सहयोग इतना से चाहिए, चाहना है दोस्तों कि प्लीज अगर चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब यहाँ पर 54वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पावर सप्लाई की लाल तार में करंट होता है, जो पावर सप्लाई होता है उसकी लाल तार में करंट होता है कितना होता है, 12 वोल्ट का भी हो जाएगा, 5 वोल्ट का सी हो जाएगा, -5 वोल्ट का और हो जाएगा -5 12 वोल्ट का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पावर सप्लाई होती है ना, पावर सप्लाई जो रेड कलर का तार होता है, तो उसमें जो पावर होती है कितनी होती है, याद रखिए +5 वोल्टेज का होता है, कितना होता है +5 वोल्टेज का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और हमारे 155वें नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है। सिंपल से यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पर आपको SMPS का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, क्या बताना है, SMPS का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, बी हो जाएगा सिक्योर मोड पावर सप्लाई, और डी हो जाएगा सर्विस मॉड्यूल पावर सप्लाई, और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सर्विस मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55वें नंबर के क्वेश्चन का दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा अच्छा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। और SMTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और होता है दोस्तों, थोड़ा सा ये मेरा आज पेन डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं लाइट पेन के नाम से भी जानते हैं, ये चल नहीं रहा है अच्छे से, नहीं तो मैं आपको SMTS सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए यहाँ पर तो देखिए SMPS का अर्थ क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए 156वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर हमारा कि प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग टिक करेंगे आंसर, और जिसको भी अच्छा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने के पहले किसी भी स्टूडेंट को अगर आंसर आ जाता है तो या तो वो जल्दी से अपने मन में ही आंसर बता देगा, और अगर नहीं आता है, अगर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए पेन चलने लगा है क्या, ठीक है चलने लगा है। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा टिपर वायरस, भी हो जाएगा निम्दा वायरस, सी हो जाएगा क्रीपर वायरस, और डी हो जाएगा सस्पर वायरस, ठीक है सस्पर वायरस। चलिए तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो सबसे प्रथम जो सबसे पहला वायरस था उसका नाम क्या था, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, उसका नाम था क्रीपर वायरस, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लियर। प्रथम वायरस का क्या नाम था, क्रीपर। 57वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ENIAC, बी हो जाएगा यूनिवेक्स, सी हो जाएगा एटसेक, और डी हो जाएगा हमारा अल्टियर 8800, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर की बात आती है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टॉपिक में बहुत विस्तार से, एक एक चीज की मैंने फोटो भी दिखाई है आपको, मैंने आपको बताया कि कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था, कैसा था, हर चीज मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वे कौन सा था, तो याद रखिए सबसे पहला जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर की बात समझे दोस्तों, कौन सा था, अल्टियर
अट्ठासी सौ दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं आता। चलिए तो और अच्छा एक चीज और है, एनईए का फुल फॉर्म क्या है? वैसे मुझे तो पता है, जिस भी स्टूडेंट को एनईए का फुल फॉर्म मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। देखिए अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा करूं तो आप लोग प्लीज उसका कमेंट में आंसर दिया करें, क्योंकि होता क्या है कि मुझे तो मालूम है और भी स्टूडेंट को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, लेकिन अगर आप यही चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा और कभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा कि हमसे सर ने ये क्लास में पूछा था कि एनए का फुल फॉर्म क्या है और हमने इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो इन चीजों का याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना? चलिए अब 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? जो संगीत उपकरण होते हैं साउंड वगैरह बूफर वगैरह, उनको साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ए ऑप्शन हो जाएगा मिडी, बी जाएगा बस, सी जाएगा यूएसबी और डी जाएगा नेटवर्क। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है और सीबीसीटी में भी जो क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए दोस्तों आप लोग, सीबीसीटी में जो क्वेश्चन आ चुका है और इसके साथ साथ कई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो संगीत के उपकरण को साउंड के कार्ड से जोड़ता है उसको हम बोलते हैं मिडी, और मिडी का जिस भी स्टूडेंट को फुल फॉर्म मालूम है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 59वें नंबर का क्वेश्चन है। 59वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से चार हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, उन चार ऑप्शन में से सबसे बड़ी जो मेमोरी की यूनिट है वो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीगाबाइट, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा मेगाबाइट और डी हो जाएगा किलोबाइट। तो याद रखिए दोस्तों इनमें से जो सबसे बड़ी यूनिट है, लेकिन इसका आंसर देने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करिए, शाम 6 बजे रहती है और बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रतिदिन आपको दूंगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है ना? लाइक बिल्कुल नहीं करते हो आप लोग, कुछ नहीं जाता यार, थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दोगे तो हम भी मोटिवेट हो जाते हैं आपके मोटिवेट से, ठीक है ना दोस्तों? चलिए जो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है दोस्तों वह कौन सी है बताएगा कोई? चलिए ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर, गीगाबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीगाबाइट, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? सबसे छोटी इकाई चलिए बाइट, ठीक है ना? बाइट यहां पर जो क्रम लिखा होगा मैं आपको वो बता रहा हूं, फिर आ जाएगा हमारा क्या, बाइट के बाद किलो बाइट यानी केवी। मैं यहां पर एक काम करता हूं, बाइट हो गया फिर केवी, केवी का फुल फॉर्म क्या हो गया? किलो बाइट। किलोबाइट के बाद क्या आ जाएगा हमारा? एमबी। एमबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेगाबाइट। बाइट में पूरा नहीं लिखूंगा, मेगाबाइट। और एमबी के बाद क्या आ जाएगा? जीबी। जीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या आ जाएगा? टेराबाइट। टेराबाइट की क्या नहीं दोस्तों थोड़ा सा टेराबाइट, जीबी। जीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। फिर हो जाएगा टीबी। टीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा टेराबाइट। यहां पर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी थी? गीगाबाइट। गीगाबाइट किसका फुल फॉर्म है? जीबी का, ठीक है? किसका फुल फॉर्म है? जीबी का फुल फॉर्म है। और ये एमबी का फुल फॉर्म है, मेगाबाइट, केबी का फुल फॉर्म है, किलोबाइट। क्लियर है यहां तक? दिक्कत नहीं। मैं इसका एक पूरे चार्ट आपको क्लासेस में बता दूंगा, थोड़ा सा थ्योरी वाली क्लासेस में, ठीक है? तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा मिक्सचर हो गया होगा, आप समझ नहीं पा रहे सर ने क्या लिख दिया है, तो मैं इसके लिए आपको एक चार्ट आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसमें से देख लेना। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, गीगाबाइट इनमें से सबसे बड़ी यूनिट है। क्लियर है यहाँ पर? दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ आएंगे और इसी क्लास को आगे बढ़ा देंगे। संडे यानी कल की क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे और आने वाले सोमवार को हम फिर से थ्योरी पर आ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको दोस्तों क्लास? मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।